السلام عليكم. इस मस्जिद का नाम और रायान मस्जिद है। देखिए कितना बड़ा मैदान है। हम तो जा रहे हैं मस्जिद के अंदर। ओ अबू बालन जल्दी आओ। अबू और हम वजू करके आते हैं। जो ऑरेंज कलर का एरो है वो जेंट्स का वजू खाना है। व्हाइट कलर का जो एरो है वो लेडीज मस्जिद के लिए एंट्रेंस है। फर्स्ट फ्लोर पे लेडीज सलाह सेक्शन है। अरबी के अल्फाज कैसे निकालना उसका पूरा मखरज बनाए। जेंट्स के वजू खाने के ऊपर जो देखे थे ये वही हिस्सा है कि मस्जिद में जाने का। ये ऐसी मस्जिद है जिसके जेंट्स की सलाह के हिस्से के पीछे ऊपर लेडीज सलाह की मस्जिद है। यानी मेन मस्जिद के अंदर ही लेडीज की सलाह मस्जिद है। ये रमजान की तरावीह में पूरी फुल हो जाती है। ये देखिए लेडीज का कितना खूबसूरत है। दूसरी मस्जिदों के कंपैरिजन में लेडीज का हिस्सा ये मस्जिद का लेडीज का हिस्सा बहुत बड़ा है। यहाँ से नीचे की जेंट्स की मस्जिद दिखाई देती है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। सब कांच धुंधले है इसलिए आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा। गौर से देखना। अभी हम दोनों भाई भी अबू के साथ नीचे बैठे हुए। राइट साइड पे येलो कलर के टी शर्ट में हम बैठे दिखाई दिए। हम जिनको भी हम दिखाई दे प्लीज लाइक कर दीजिए। अब हम आपको बताइए जेंट्स का सेक्शन। यहाँ हम हमेशा आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये गुंबद की साइड है। बाहर से एक ग्रीन कलर का, अंदर से देखिए कितना खूबसूरत है। हम मगरिब की नमाज के लिए आए थे और हमारी नमाज पढ़ना हो गई है। और ये बाहर का है। रात में ये मस्जिद ऐसी नजर आती है। माशाल्लाह बहुत बड़े हो, बहुत खूबसूरत है। चलिए अब हम आपको दूसरी मस्जिद की तरफ ले चलते हैं। ये मस्जिद बहुत खूबसूरत बंगलों के एरिया में बनी हुई है। एक और खूबसूरत मस्जिद की विजिट करते हैं। चलिए ये है जामा अल शाब अब्दुल्ला मस्जिद। मस्जिद के बाहर बच्चों के खेलने के लिए भी स्लाइड्स है। देखिए ये लेडीज और जेंट्स दोनों का वजू खाना है और बाथरूम है। और ये रही मस्जिद। मैं आपको बाहर से पहले पूरी मस्जिद दिखा देता हूँ। ये मस्जिद का नाम है जामा अल शाब अब्दुल्ला। और हम मगरिब की नमाज के लिए यहाँ आए थे। ये जो डोर है ये लेडीज सेक्शन का है मगर ये उस दिन क्लोज था इसलिए इस मस्जिद का लेडीज सेक्शन हम आपको नहीं बता पाए। ये मेन डोर के पास का हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा। देखिए बाहर से इतने खूबसूरत है तो अंदर से कितनी होगी। दिल न किसी का कभी दुखा, दिल न किसी का कभी दुखा। काश उस दिन लेडीज का खुला रहता तो हम उस दिन आपको लेडीज का भी बता देते। यह है वजू खाना। हमें वजू हो गया और हम मस्जिद के तरफ जा रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं मस्जिद के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत मस्जिद है गाइस। वाओ क्या सजाया गया है।
बनाया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है मस्जिद। देखिए कितना खूबसूरत झूमर है, और जो ऊपर का गुंबद है वो बाहर से स्काई ब्लू कलर का है, और अंदर से भी कितना खूबसूरत है। देखिए अल्लाह ताला हर मुसलमान को नमाज का पाबंद बनाए। अगर हर मुसलमान बच्चे से लेके बूढ़े तक के नमाज की पाबंदी करे और वक्त पे नमाज अदा करे, सोचो हम मस्जिदों में कितनी गर्दी रहेगी। ताला मुझे भी और आपको भी और तमाम मुसलमानों को भी नमाज का पाबंद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। حسب ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله। देखिए कितना अच्छे पिलर है, कितना अच्छा गालीचा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी कहिए माशाल्लाह। बहुत बड़ी मस्जिद है, देखिए कितनी बड़ी है। अगर आपको ये मस्जिद पसंद आए तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे कमेंट करके बताइए, नहीं तो इस वीडियो पे लाइक करके बताइए। देखिए कितने सारे कुरान रखे हुए शेल में। मगरिब की नमाज हो गई है, अब हम बाहर जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गाइस अभी हम ये मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकले, बहुत ही प्यारी और माशाल्लाह मस्जिद थी। चलिए अब चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब।